किसी भी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म की शुरुआत से पहले मेकर्स के दिमाग में किरदारों की पूरी लिस्ट तैयार होती है, साथ ही ज्यादातर रोल के लिए उनके पास सितारों के नाम भी होते हैं। साउथ एक्टर प्रभास की ताबड़तोड़ कमाई और रिकॉर्ड बनाने वाली फिल्म बाहुबली तो आपको याद ही होगी, साथ ही इस फिल्म का कटप्पा किरदार बहुत फेमस हुआ था। बता दें कि कटप्पा के रोल के लिए मेकर्स की पहली पसंद कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के स्टार संजय दत्त थे। विजेंद्र प्रसाद ने खुद खुलासा किया था कि वह चाहते थे कि संजय दत्त मूल रूप से कटप्पा का किरदार निभाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अभिनेता जेल में थे। 2020 में रेडिफ पर बात करते हुए वो बताते हैं कि बाहुबली का किरदार निभाने के लिए प्रभास हमेशा से उनकी पहली पसंद थे, वहीं कटप्पा का किरदार निभाने के लिए उनके मन में संजय दत्त का नाम था, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि संजय दत्त किसी वजह से जेल में थे। इसके बाद सत्यराज को कटप्पा के रोल के लिए चुना गया। इसी बातचीत के दौरान विजेंद्र प्रसाद कहते हैं, मेरे बेटे एसएस राजामौली ने मुझसे कहा कि वह प्रभास के साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं, यह एक कॉस्ट्यूम ड्रामा होनी चाहिए और अच्छे एक्शन सीन होने चाहिए। एसएस राजामौली चाहते हैं कि मूवी में फीमेल रोल भी पुरुष किरदारों के बराबर शक्तिशाली हों और कुछ नकारात्मक किरदार भी शामिल हों। बाहुबली द बिगिनिंग 2015 में रिलीज हुई थी, वहीं इसके बाद बाहुबली 2 द कंक्लूजन 2016 में आई और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई जिसने फैंस के दिल में खास जगह बनाई। बाहुबली सीरीज में प्रभास, सत्यराज, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णा और नासर जैसे कई बड़े सितारों ने ब्लॉकबस्टर फिल्म में काम किया। और भी ऐसी बॉलीवुड अपडेट के लिए फिल्म फ्रंटलाइन को सब्सक्राइब करें।